आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई, बचपन ने सुनी दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानी। दादी कहानी सुनाओ ना, देखती नहीं दादाजी सो रहे हैं। अरे सुनाओ सुनाओ, मुझे भी कहानी बगैर सुने नींद का आती है। चलो शुरू करो। तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई, जब देखो नाटक करते रहते हो। हाँ बच्चों तो सुनो मेरी कहानी, बच्चों के दादा तुम भी सुनो। हाँ। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था, बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता था। जिस पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता उसी पेड़ पर एक भूत रहा करता था। मगर बड़ा प्यारा भूत, दोस्तों का भी दोस्त वो भूत था। चरवाहे में और भूत में बहुत गहरी दोस्ती थी। जब चरवाहा बांसुरी बजाता तो भूत मगन होकर मस्ती में खूब नाचता था, यूं नाचता था, यूं नाचता था। भूत रोज चरवाहे को दो मीठे फल दिया करता था। एक रोज उसने दो फल दिए तो चरवाहा ने नहीं खाया। उसने पूछा क्यों नहीं खाता, तो उसने जवाब दिया, माँ के लिए, माँ बीमार है ना। अच्छा, तुम्हारी माँ बीमार है? हाँ। एक पल रुको। तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है दोस्त। दुनिया में माँ से बड़ी दौलत और कोई नहीं होती। ले जाओ ये फल और माँ को खिला देना। तुम बहुत अच्छे हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह आदमी होता
तो तुम्हारे घर चलता और माँ के चरण छू लेता। तुम अभी मेरे घर चल सकते हो, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। कदाचित नहीं बल्कि नाराज होगी। क्यों? भूत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूत भूत ही होता है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पे किसी भूत का साया हो, लेकिन हम तुम तो संग संग खेलते हैं। तुम भी माँ को मत बताना कि हमारी दोस्ती तुम्हारे साथ है, वरना वो तुम्हें घर से नहीं निकलने देगी और मैं तुम्हारी सूरत देखने को तरस जाऊंगा। जा ये फल ले जाओ और माँ को खिला देना। इस फल के खाते ही तुम्हारी माँ एकदम अच्छी हो जाएगी। जैसे तुम ठीक समझो, मैं चलता हूँ, कल इसी समय आऊंगा। अच्छा। मैं तुम्हारी राह देखूंगा दोस्त, ये फल जरूर खिला देना। इस फल के खाते ही माँ एकदम अच्छी हो जाएगी। एक दिन एक राजकुमार जंगल में रास्ता भूल गया। भटकते भटकते वो वही जा पहुंचा जहां चरवाहा बांसुरी बजा रहा था। हमें भी अपना दोस्त समझो, हम यहाँ के राजकुमार हैं। राजकुमार मेरे दोस्त, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपको भूख लगी होगी। हाँ भूख तो बड़े जोरों की लगी। तो चलिए ना मेरे घर चलिए, पहले खाना खाइए। किंतु आप देखिए, आप राजकुमार और मैं गरीब चरवाहा, लेकिन अभी आपने मुझे दोस्त कहा। क्या एक दोस्त यहाँ खाना नहीं खाएगा? चल स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। माली क्या पकाया आपने? कद्दू। कद्दू? और इतना स्वादिष्ट? हमारे महलों में तो 36 प्रकार का खाना बनता, लेकिन जो रस जो स्वाद इस कद्दू में है वो कभी नहीं मिला। उन्हें कैसे आएगा बेटा, वो भोजन उन रसोइयों का बनाया होता है जिन्हें आप तनख्वाह देते हैं। वो अपनी तनख्वाह पाने के लिए ही भोजन बनाते हैं। हाँ, और उनमें माँ के प्यार का रस कहाँ, और यहाँ तो माँ की ममता भी है। माताजी, हम ये प्यार और ममता भरा खाना खाने आपके घर दोबारा जरूर आएंगे। जरूर आना बेटा, जब जी चाहे। दोस्त, तुम लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, समझ में नहीं आता किस तरह से उसका बदला मैं चुका हूँ। हम यहाँ के राजकुमार हैं और आगे जाकर राजा जरूर बनेंगे, तो उस दिन हम आपको मंत्री जरूर बनाएंगे। मैं अनपढ़ गंवार, इस पद के योग कहाँ। आप मुझे अपना दोस्त बना रखें, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तुम दोस्त तो हो ही, और जब बने हो तो हमेशा रहोगे। तो तुम्हारी दोस्ती एक राजकुमार से हो गई है, ये मत समझना कि मुझे उससे जलन हो रही है। लेकिन एक सच्चे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें अभी से सावधान किए देता हूं कि ये दोस्ती यहीं पर समाप्त कर दो, वरना आगे पछताना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। दोस्ती बराबर वालों में ही संभव है,
तुमने अपनी हैसियत देखी है? कहा तुम और कहा वो राजकुमार? लेकिन राजकुमार तो मुझे छोटा नहीं समझता, मेरे साथ मेरे घर में खाना खाता है, मेरे पास बैठकर घंटों बांसुरी सुनता है। हमारी दोस्ती का हाथ तो आगे बढ़ चुका है, अब उसे पीछे कैसे हटाएं? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें समझा देना, वो मैंने किया। बाद में पछताना पड़ा तो याद करोगे कि भूत दोस्त ने सच ही कहा था। बहुत साल बीत गए, राजकुमार राजा बन गया, अपने राज तिलक के दिन बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, लेकिन अपने गरीब दोस्त चरवाहे को नहीं बुलाया, उसे भूल चुका था। कुछ साल और बीते, राजा की शादी हुई, फिर भी चरवाहे को नहीं बुलाया, लेकिन चरवाहे को मालूम हो गया कि राजा की शादी हो गई। माँ, तुझे याद है मेरा दोस्त राजकुमार? माँ, वो राजा बन गया है, उसकी शादी भी हो गई है। माँ, अच्छा? हाँ माँ, माँ मैं राजमहल जाऊंगा अपने दोस्त को बधाई देने। हाँ हाँ, जरूर जा बेटे, किंतु ऐसे खाली हाथ जाएगा? हाँ माँ, कोई ना कोई भेंट तो जरूर ले जानी चाहिए, क्या ले जाऊं? कुछ भी, उसकी मनपसंद कोई चीज जिसे देखकर वो खुश हो जाए। उसकी मनपसंद कोई चीज? कद्दू बहुत पसंद है माँ, मैं उसके लिए कद्दू लेकर जाऊंगा। माँ याद है उसने उस दिन कद्दू खाते हुए कहा था, आहा, दिल कर रहा उंगलियां चाट लूं, राजमहल में कद्दू कहाँ मिलता होगा? माँ मैं उसके लिए कद्दू लेकर जाऊंगा। माँ देखो भाई देखो, राजा के लिए भेंट लाया हूँ मैं कद्दू, कहता है राजा इसका दोस्त है, उसके घर खाना खाने गया था। अरे राजा ने कहीं घसिया रह गया होगा, कद्दू तो बीमारों के घर में पकता है या तेरे जैसे लाचारों के घर? लाख कद्दू दे मुझे, मेरी बीवी पका लेगी। उसी कद्दू का जिसके लिए लाया हूँ, आप तो चल राजा के पास। देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं ने कितने बहुमूल्य उपहार भेजे हैं हमें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपका प्रिय मित्र आपके लिए भेंट लाया है। नमस्ते, नमस्ते भाभी जी। ये आपका दोस्त है? जी भाभी जी, मैं दोस्त हूँ इनका। आपने बेशक हमें अपनी शादी पर नहीं बुलाया, पर हम आ गए। ये आपके लिए लाया हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? आपने उस रोज हमारे घर पर पसंद किया था। मुझे नहीं पता था आपकी पसंद कद्दू है। वाह, क्या दोस्त है और क्या उपहार लाया है, सबसे कीमती है ना? कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामू, रामू चरवाहा, बांसुरी वाला। आप मेरे घर पर आए थे ना? मैं किसी रामू मामू को नहीं जानता, और आपको, आपको अकल नहीं है किसी भी अरे गहरे को उठाकर मेरे पास ले आते हैं? मुझे पहले ही मालूम था। ले जाओ इसे और इसका कद्दू इसके सर पे फोड़ दो।
तू ठीक कहता था, राजकुमार से दोस्ती नहीं करना। मैं उसके लिए तोहफा ले गया था शादी की मुबारक देने। हाँ, तो फिर मुझे केवल धक्के नहीं मिले, मेरा कद्दू भी मेरे सर पर फोड़ दिया। समझ गया, मैं सब समझ गया। मेरा दोस्त तुम्हारे लिए कद्दू लाया और तुमने उसका मजाक उड़ाया। अब देखो लोग तुम्हारा मजाक कैसे उड़ाते हैं। जैसे महाराज की आज्ञा, अभी आया। महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बहुत बड़े वैद्य हैं। मैंने इन्हें बहुत दूर देश से बुलाया है, इन्होंने अनेक लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। मगर मुझे अफसोस है, मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। क्या? मुझे लगता है आप दोनों को सारी उम्र इसी तरह रहना पड़ेगा। इसी तरह रहना पड़ेगा? इस तरह जीने से तो अच्छा है हम मर जाए। मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, ये तो नरक से भी गंदा जीवन है। राजा भी राक्षस, रानी भी राक्षस, बड़ा मजा आया। किसी के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, मुझे तो चिंता लगी है, नई नई शादी हुई है, कहीं आत्महत्या ना कर ले। वाह, बड़ी हमदर्दी जता रहे हो। उन्होंने चाहे मेरी दोस्ती की कदर नहीं की, लेकिन मैंने तो उन्हें अपना दोस्त कहा है। जब तक इस देह में प्राण है मैं तो उनका दोस्त रहूंगा और दोस्ती का हक अदा करूंगा। मुझे तो सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा दुख हमारा दुख। मैं तुम्हें एक डंडा दूंगा, वो उन दोनों के चेहरे के चारों तरफ घुमा देना, अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मैं अभी इसे लेकर राजमहल जाता हूं। फिर की ना बच्चों वाली बात, बड़ा भोला है रे तू। तू फिर से जाएगा तो महल में कौन घुसने देगा है? पिछली दुर्गत भूल गया? तो फिर क्या करूं तू ही बताना। वैद्य हकीम बन के जा। समझ गया, तू बड़ा समझदार है, मैं हकीम बनकर उसका इलाज करने जाता हूं। अच्छा। हमें अकेला छोड़ दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा वैद्य जी, लेकिन हमारे महाराज और महारानी को ठीक कर दीजिए। ठीक है।
हम ठीक हो गए? हम भी ठीक हो गए। हाँ आप ठीक हो गए, अब आपको किसी से मुंह छिपाने की जरूरत नहीं। वैद्य जी, आपने हमें नया जीवन दिया है, पता नहीं इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे। हमारा दोस्त ठीक हो गया, हमारा सबसे बड़ा इनाम यही है। दोस्त? हाँ दोस्त। तुम? अब तो पहचान लिया? नहीं नहीं, हम तुम्हारे दोस्त कहलाने के काबिल नहीं। हमने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया, हो सके तो हमें माफ कर देना दोस्त। मुझे भी, मैं भी आपकी गुनहगार हूँ। आज हमें पता चला सच्ची दोस्ती क्या होती है। याद है दोस्त, हमने एक दिन तुमसे वादा किया था, जब हम राजा बनेंगे तुम्हें जरूर मंत्री बनाएंगे। आज हम तुम्हें मंत्री बना। नहीं महाराज, मैं इस पद के काबिल नहीं। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक बांसुरी दे दीजिए, मेरी बांसुरी टूट गई है। आज मेरा मन फिर बांसुरी बजाने को कर रहा है। बराबर वालों से, और दोस्ती करो फिर निभाओ। बिल्कुल ठीक, जैसे कृष्ण भगवान अपने गरीब दोस्त सुदामा से मिले थे, जब सुदामा जी उनके दरबार में गए तो कृष्ण जी सिंहासन से उतराए और बड़े आदर से उसका सत्कार किया और उसका दिया हुआ सत्तू। अरे 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 अरे, सत्तू प्यार से नहीं खाया, चावल खाया। चलो चावल ही खाया, लेकिन कहने का मतलब है ये इसी तो कहते हैं दोस्ती। सच्ची दोस्ती, छन पकैया छन पकैया, छन पर बैठा कर्म, दोस्ती करो और निभाओ, यही मनुष्य का धर्म। ताली बजाओ। तो देखते रहे दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।